नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है ये हम चेक करने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज अ जनरल एंड अ टाइमलेस रीडिंग। मैं महादेव एंड माँ भगवती गाइड all of us and protect all of us throughout this session। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो उनका नाम आप अपने मन में रिपीट कर सकते हो थ्री टाइम्स बेसिकली मिनिमम बोला जाता है। ओके, रिपीटिशंस जो है वो आप 7 times और 21 times भी कर सकते हो, बट 3 times रिपीट करना सबके लिए ईजी रहता है। एंड यू हैव टू विजुअलाइज देयर फेस, उस व्यक्ति का चेहरा जो है वो आपको विजुअलाइज करना है, ध्यान में लेकर के आना है। आप अगर चाहो तो खुली आंखों से भी विजुअलाइज कर सकते हो। ये जो वाटर आप लोगों के सामने रखा है, डिविनेशन वाटर, इसमें आप इस पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कर सकते हो। एंड ये रीडिंग सभी के लिए है गाइज, फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन, वॉट एवर योर सिचुएशन इज, जो भी कुछ चल रहा है, फॉर योर क्रश। ओके, चलिए लेट अस बिगिन विद टूडेज सेशन। चलिए लेट्स सी आज के दिन में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट माई वॉइस, मेरा गला जो है थोड़ा सा बैठा हुआ है। सबसे पहला सिंबल जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इज एरीज राशि है। वी से किसी का नाम शुरू होता है, वी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मे बी आप दोनों का नाम वी से स्टार्ट होता है, योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों वी से स्टार्ट होते हैं। समवन इज गोइंग बैक, कोई लौट करके पीछे जा रहा है या पुरानी बातों के बारे में कोई सोच रहा है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी दैट किसी का ईगो का बहुत ज़्यादा इशू अभी बढ़ा हुआ है। मे बी ये मैसेज जो है उन लोगों के लिए है जिनके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, इशूज़ चल रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है। ऑल्सो दिस पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये बहुत हद तक अपनी एनर्जी को सेफ करने के बारे में सोच रहे हैं, या जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है, आई कैन सी कि ये अपने आप को किनारे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, या ये समहाउ आपको और अपने आप को दोनों को सेफ रखने के बारे में सोच रहे हैं। सो एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, जो कि सामने वाले पर्सन के माइंड से आ रही है। As in, they want to save you, they want to protect you. आपको सेव करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी दुख तकलीफ से, किसी भी हार्म से, कोई छोटी से छोटी नेगेटिव एनर्जी भी हो उससे भी आपको ये बचा करके रखना चाहते हैं। Another thing जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, See, जिस तरीके से आप लोगों के वैक्स ये फ्लेम जो है फ्लक्चुएट कर रही है, और यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है आफ्टर द फ्लक्चुएशन, इस इंसान के इमोशंस भी इसी तरीके से आज के दिन में आपके लिए थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स, हर किसी के लिए हर कोई मैसेज नहीं है। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके कनेक्शन में शायद ऑलरेडी नेगेटिविटी है, या कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी कुड बी इन एनी फॉर्म गाइज। ओके, ये डाउट हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज हो सकती हैं, ये लिमिटेशंस हो सकती हैं, ये अननेसेसरी एंगर हो सकता है, राइट? सो ये नेगेटिविटीज अगर अंदर दबी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे फ्लो होकर के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यस, समथिंग कैन मेक देम वेरी एंग्री टुडे। ओके, किसी बात से किसी के पर्सन को आज थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसका ये भी फायदा होगा कि लाइक जो कुछ मन में भरी हुई हैं बातें वो क्लियर आउट हो जाएंगी, वो सारी बाहर निकल के आ जाएंगी,
एंड आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो हैं ये इन पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में अपना माइंड मेक नहीं कर पा रहे हैं या इनको ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है विच कुड इंडिकेट कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड है. आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है ये जो भी इनके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लेट गो करना चाहते हैं. जस्ट लुक एट द फ्लेम. सी इवन इनके जो लाइक एनर्जी है देखो आपके टुवर्ड्स बहुत पैशनेट एनर्जी है ये एंड द वे इट्स राइजिंग एंड इट्स फ्लक्चुएटिंग. इट्स लाइक दिस पर्सन नो वॉट दे वॉन्ट कि लाइक इनको क्या चाहिए दे नो इट बट उस डायरेक्शन में मे बी दे आर नॉट एबल टू मूव राइट नाउ. और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन हैं इनकी हेल्थ रिलेटेड एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है विच इज़ लाइक वेरी वेरी क्लियर. ऑल्सो यहाँ पर हमको एक बर्ड दिखाई दे रही है. ये इंसान कहीं से आज़ाद होना चाहते हैं कहीं से फ्री होना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू फ्लाई अवे. ओके दे वॉन्ट टू सेट देम सेल्फ फ्री. अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं और एकदम किसी बंदिश में इनको नहीं रहना है या आपके ऊपर भी ये कोई बंदिशें नहीं लगाना चाहते हैं. इस तरीके से थॉट्स हैं इनके अभी आज के दिन में. दिस कुड ऑल्सो मीन कि यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग को आपसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कोई बात इनके माइंड में चल रही है. कोई ऐसी पर्टिकुलर बात हुई है गाइज रिसेंटली लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मुझे यहाँ पे किसी की सिचुएशन दिखाई दे रही है. एज इन कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड दिस पर्सन एक्सपेक्टेड कि आप इनकी बात को समझोगे या आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे कि समहाउ आप लोगों के बीच में सी आप दोनों ही यूनियन चाहते हो लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में क्या बहुत ज़्यादा गैप है. दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड बोथ ऑफ यू वॉन्ट टू सी योर फ्यूचर टुगेदर बट देर इज़ दिस ह्यूज डिफरेंस. मे बी आपके पर्सन को फील हो रही है ये बात कि आपके और इनके बीच में कुछ बड़ा गैप है कोई बड़ा डिफरेंस आ गया है. ओके और आपके अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके सिचुएशन में तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो भी तीसरा इंसान है वो जो भी हो वो इस सिचुएशन का कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं. सो थोड़ा सा आपको आज के दिन में केयरफुल रहना है. अगर आप इस पर्सन के साथ में भले ही आपके क्रश हैं या हूसोएवर दे आर फ्रेंड हैं जो भी हैं फैमिली मेम्बर हैं आप जब भी बात करें इनसे तो थोड़ा सा एक तो कन्वर्सेशन को लाइट हार्टेड रखिए. बहुत ज़्यादा सीरियस कन्वर्सेशन आज के दिन में आपको थोड़ी अवॉइड करनी है. अगर अपने आप से ये पर्सन कुछ कन्फेस करते हैं तो आपको पेशेंटली सुनना भी है. और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर आज गलत तरीके से रिएक्ट किया तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं या बहुत खींच सकते हैं किसी छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा जैसे तिल का ताड़ बना देते हैं. तो वैसी सिचुएशन हो सकती है कई लोगों के लिए. अच्छा ओवरऑल जो आप लोगों की रीडिंग में आज जो एलिमेंट मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है इज़ अगेन द फायर एलिमेंट फायर एंड अर्थ एलिमेंट. तो यहाँ पे एरीज लियो एंड सेजिटेरियस राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं. इसके साथ में टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं. यस सी ऐसा लग रहा है ओवरऑल अगर हम पैटर्न को एनालाइज करें रीडिंग इज क्लोज्ड हियर. अभी यहाँ पे अगर हम ओवरऑल इस पैटर्न को एनालाइज करें तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक तो लेटर टी भी बन गया है. अब बार बार मुझे यहाँ पे फिर से स्पिरिट मुझे इंडिकेट करती है दिस शो मी अ बिग नोज फॉर ईगो.
समवन हु हैज़ बिग नोज़, ईगोइस्टिक पर्सन, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या दूसरे की बात को वो सुन नहीं पाते हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये ऐसे इंसान के साथ में मे बी आप अभी डील कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए इस तरीके की एनर्जी है, और ये इंसान ऐसा है एकदम बिना सोचे समझे, अभी आज के दिन में मुझे लग रहा है कि जैसे बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना किसी बात के ऊपर, और लाइक अचानक से ना गुस्सा भड़कने वाला सिचुएशन, अचानक से जैसे एंगर बॉस्ट आउट हो रहा है, इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है। यस, अनदर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर इन दिस रीडिंग के सब कुछ आना टेढ़ा है, कुछ भी एकदम फिक्स सा नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। ये इनकी अपनी एनर्जीज, इनकी मेंटल एनर्जीज हो सकती हैं, इनकी एस्ट्रल एनर्जीज हो सकती हैं, जो बिल्कुल भी लाइक प्रॉपर तरीके से भी अलाइंड नहीं है आज के दिन में। मे बी दिस पर्सनस थॉट प्रोसेस इज़ लाइक ओवर एक्टिव, सो लाइक दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन सो मैनी थिंग्स एट वन सिंगल टाइम। And guys, this is it for today's reading. Someone is at the door. I have to go and check. I will see you in the next reading. Till then, namaste and take care. Please do give this video a like for energy exchange and do subscribe to become a part of our family. Namaste.